तो गाइस फाइनली वेलकम टू माय ब्लॉग। और हम चले हैं आज बुद्धा टेंपल, हमारी लोकेशन है आज बुद्धा टेंपल और हम जा रहे हैं बुद्धा टेंपल। कई दिनों से मेरा ब्लॉग भी नहीं आ पा रहा था गाइस, उसके लिए हम आपसे माफ़ी वगैरह चाहते हैं। कुछ इशू वगैरह हो गया था हमको, इस वजह से हम ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे। और आज हमारी फाइनली लोकेशन पे है बुद्धा टेंपल और हम जाएंगे बुद्धा टेंपल। तो अब निकलते हैं हम। ये सभी जा रहे हैं, बस चढ़िया तुमने तो चढ़ा दी उधर। बस बस सही है। और एक हमारा बंदा गिर गया, लगी गिर गया। रुक 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 रुक, यहीं पे चल 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 चल। बंदा गिर गया हमारा, कैमरामैन घायल हो गया हमारा। तो फाइनली हम पहुंच गए ऑफरोडिंग के लिए जंगल के अंदर। देख लो हम ज्यादा काफी थक, हाँ ऑफरोडिंग के लिए निकले हूँ। हमें नहीं लगा था कि हम चल पाएंगे, पर चल तो रहे हैं। आगे देख लो सबकी हालत खराब है, रुके हुए सब। चलो ना आओ। एक चल रहा गेयर वाली बस चल रही है आगे। चल ठीक है, उतरने में बहुत है। गायों के बीच आए हम जंगल में, और एक गाय नहीं पता नहीं कितनी सारी गायें हैं। कहीं नहीं हुआ अभी, साइड में कुछ हुआ इसके, कुछ हो रखा गाय के, पता नहीं क्या है वो, कुछ होगा। नहीं चला5 बज गए। सोरे तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं। हम पार करने वाले, जैसे कि ये नदी है एक बड़ी सी, इसमें पानी भर के आता है ना, तो हम इसे पार कर रहे हैं गाइस।
वहाँ पे हमें दिख रहा है फॉरेस्ट वालों का, फॉरेस्ट वाले वहाँ रहते हैं। यहाँ पे शूट करना मना है, पता है कैसा? मेरे दोस्त लोग कह रहे, मना कर रहे कि मत शूट कर मत शूट कर, फिर भी मैं शूट कर रहा हूँ आप लोग के लिए बस। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा वो साइकिल से आगे चले गए, हम लोग थोड़ा पीछे हट गए अभी। और वो रुक गए हमारे लिए वहां पे। फाइनली गाइस आधे से ज़्यादा हमने पार कर दिया है रास्ता, और काफ़ी ज़्यादा हम लोग थक भी गए हैं। अगर एक बार बुद्धा टेम्पल में पहुँच जाए तो वहाँ खाने पीने का साधन हम देख लेंगे उसके बाद। काफ़ी ज़्यादा पीछे मैं भी रह गया हूँ व्लॉगिंग के चक्कर में। आगे हमारे जो देखो सामने जा रहे हैं वो लोग, क्या करेगा ऐसा आप लोग के लिए थोड़ा रिस्क लेना बनता है यार, थोड़ा सा अपनी फैमिली के लिए चलता है। जा रहा हूँ गाइस मैं भी, बाकी यहाँ पे गंदगी कितनी है आप देख सकते हो, जैसे ये सब तो नहीं होना चाहिए यार। देख लो तो लोग आगे हैं, धीरे धीरे पहुँच गया मैं घर। भाई बुद्धा टेम्पल ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से करीबन आधा किलोमीटर और है। मैं कुछ शूट कर रहा हूँ ना। अरे ये चलो 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 चलो, रुके क्यों, चल रहे हो ना, पानी नहीं है। हाँ चल सीधा सील वहीं टूट गया पंडित। तो गाइस यार हमारी साइकिल एक पंचर हो गई थी, उसे ठीक करा लिया यही बात है वो। इसमें थोड़ी थोड़ी गाड़ी अपनी मतलब अपनी साइकिल ठीक कराई हम लोगों ने। ठीक हो गया अब शायद, सही चल रही मेरी भी, मैंने यहाँ चैन में वो डलाया। चलो 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 चलो, फिर सैनिक द्वार आ गए हम। चैन में तेल डलवा लेता गौरव। तो जैसा कि हम फाइनली अंदर आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, ये होने नहीं चाहिए इतनी ज़्यादा भीड़ है। अंदर घूमने की जगह जगह है या नहीं है कुछ पता नहीं, पर चल रहे हैं। चढ़ाई भी है थोड़ी, थोड़ा दूर है, मैंने करो थोड़ी सी और अपनी लोकेशन पर पहुँचो। चलो जल्दी करो ना, वो जल्दी आप कल गेड़ होने के बाद भी ऐसे कर रहे लोग। बंद हो गया क्या शायद, चल रहे तो फाइनली आ गए हम यहाँ बुद्धा टेम्पल के अंदर, गेट पे पहुँचने वाले हैं, यहाँ से अंदर चले हैं। छोटू क्या खा रहा? ओए हेलो, ओ बेटा अकेले 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 दोस्त,
तो ये है हमारा गेट। ये कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह है, पढ़ लो भाई पढ़ लो, तुम्हें काम आएगा ये सारी चीज़ें कर लो। तो फाइनली गाइस आ जाओ, चल रहे हैं अंदर तक तो आ गए हम, और थोड़ा अंदर चल लेते हैं। हेलो गाइस, कुछ दोस्तों को दिखा दो हमारे, चुपचाप से हैं, कुछ थक गए सारी साइकिल चला के। चलते हैं अंदर, पहले किधर चले, पहले किधर जा, चलो चल इधर चल रहे। हाँ वहाँ है नहीं कुछ, चल रहे ये बुद्धा जी से छोटी मूर्ति इमारत। ये राइट बुद्धा टेम्पल, ये है छोटा सा स्पीकर, इससे आवाज आ रही है यहाँ पे, हर छोटी छोटी जगह पे दे रखा है। बुद्धा टेम्पल की मूर्ति, और ये है मेन गेट जो कि अब बंद हो चुका है। बात तो यही सब आपको बड़ी लगती है, कहाँ बैठना, आप बैठो आओ। यहाँ पे चल रही है इस वाली पे, कौन सी कार का कलेक्शन कर देना ना, बैठो ना आराम है करण, बैठना वहाँ आराम है। गाइस ये पहली मर्सिडीज, पहली मर्सिडीज इसे क्या इसका कलेक्शन कर रहा था। इसमें उनकी फोटो लगा रखे अंदर गाइस, तो इसे सो जूम करो रियल दिखाने के लिए रखा गाइस। काफ़ी बढ़िया जगह है गाइस, आप भी आ सकते हो यहाँ पे, अगर आप देहरादून में रहते तो आपको जरूर आना चाहिए एक बार यहाँ पे, काफ़ी अच्छी जगह है ये। हम वहाँ पे जब जा रहे थोड़ी ईटिंग वगैरह कर लेते हैं, काफ़ी दूर से आए थक के, 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चल के वहाँ पे जाके ईटिंग कर ले। फिर से चल रही है यहाँ पे ईटिंग, ये आज बस एक नया बंदा है हमारा हमारे साथ, फिर से वही है कोल्ड ड्रिंक नमकीन वगैरह। तो गाइस देख लो, ये हमारा बुद्धा टेम्पल, जूम करता हूँ फोटो क्लियर हो जाएगी। देख लो ये बीच मंदिर है, ये उसके बाद सेकंड फोटोज ये है सेकंड मूर्ति, एक मूर्ति और है जहाँ पे हम जाएंगे अभी। ये बहुत बड़ी घंटी है, पता नहीं काम आती है, कुछ ना कुछ काम आती ही है। तो गाइस यहाँ भी एक स्पीकर लगा रखा, ऐसे पानी गंदा हो गया, वैसे साफ ही होता होगा। ये यहाँ पे बैठा रखा माता को, सरस्वती माता। तेरो झाड़ी चोड़ी। तो गाइस हम जा रहे हैं यहाँ से वापस, अब जा रहे हैं हम एक और मूर्ति है वहाँ पे भी जाएंगे, वहाँ भी घूमेंगे। चल रहे बाइक से आ जाएंगे, तो तुम उससे क्यों आए, ये जितना मजा गाड़ी में नहीं आता ना, जितना मजा गाड़ी में नहीं आता ना बेटा, उतना साइकिल में आता। अच्छा गाड़ी में यार पुलिस।
चलते वहाँ चलेंगे, वहाँ वहाँ दिखाने। हाँ आगे से मुझे पता है जहाँ से साइकिल का रास्ता है, वहीं पे साइकिल का रास्ता वहीं से जाना है गाइस। वैसे साफ सुथरी जगह तो बहुत है ना यार, सुथरी जगह मतलब एक पन्नी नहीं दिख रही यहाँ पे, कूड़ा कबाड़ा नहीं दिख रहा, चलो कुछ तो है प्लेस अच्छा है। अबे मतलब तेरे घर की तरह गंदगी नहीं है यहाँ, तुम्हारी शक्ल तो गंदी आई घर का वहीं से तो। अरे भाई साहब मजा ही आ जाता है, बच्चे भयंकर उलटा बैठते, कुछ बच्चे इधर कुछ बच्चे कैंटीन में, यही साइकिल उठाओ ना इतना सही बस अच्छा। वैल्यू शादा आता है ये लगा के रखते वो तोड़ रहा है एंकर, ये कार के लिए लगा रखा। आजा आजा अनपोस्ट ये है सेकंड गेट विद द टेंपल का, सेकंड गेट है और हम आगे जा रहे हैं, आगे को बड़ी वाली मूर्ति दिखाएंगे हम आपको। कैमरामैन को बड़ा वाला मिला घुमाने को, मैं छोटा वाला। गुफा गुफा वगैरह भी है क्या? देखते हैं क्या क्या है यहाँ, ज्यादा नहीं है कुछ, इसके ऊपर से ही चल रहा हूँ। हमने अभी कितने सारे घुमाए, अभी मैं यहाँ से घुमा के आ रहा हूँ आप तक के लिए। कुछ रीले बन रही है वहां पे, तो जैसा कि गाइस हम आधा बुद्धा टेम्पल घूम चुके हैं और मेन कहा जाता है कि ये है बुद्धा टेम्पल, मतलब ये जगह है पैर, ये तो घुमाने के लिए है, मतलब वो ऐसे एंटरटेन कुछ ना कुछ होगा, इससे भी जुड़ा रहस्य होगा, पर इससे ज्यादा बड़ी मूर्ति हमें दूसरी जगह मिलने वाली है और हम चाहते हैं हम आपको भी वहां ले जाएं, तो वहां भी जाएंगे आप, पर थोड़ा घूम घाम भी जाना पड़ता है, ये थोड़ा भूल भुलैया सा है रास्ता भी, कि एक गुफा वगैरह भी है, गुफा कुछ होता है मतलब अंदर टाइप का कुछ गुफा है वहां, वो गुफा के अंदर भी नहीं जाने दिया जाता हम लोग को, हम देखना चाहते हैं अब वहां पे कैसा गुफा है, बाहर से ही देखेंगे आ जाइए। ये है तो यहाँ पे नमूने हमारे बैठे हुए हैं, हमारा कैमरामैन तो ऐसे बन रहा, कैमरामैन जी येरा बड़ा वाला आजा, बड़ा घुमाते हैं, ये है घुमाने का गाइस, बहुत टाइट है ये।
हमारे कैमरामैन से घुमा रहे, ये लटकने का नहीं कैमरामैन, आ जाओ बहुत हो गया घूमना फिरना, आ जाओ आ जा। ये सबसे बड़ी मूर्ति यहाँ पे जाने नहीं दिया जा रहा, अभी शहर को छुआ रखा है यहाँ पे। प्लीज डू नॉट फ्लैगिंग ऑन द स्टेटस, कैमरा मैन भी थक गए इतनी चढ़ाई यहाँ पे। वहाँ गए थे आज हम पहले, यहाँ गए थे उसके बाद यहाँ गए थे। तो फाइनली गाइस अब हम जा रहे घर वापस, बहुत टाइम हो गया, ज़्यादा ही 7 बजने वाले हैं यहाँ पे, तो हमारे आए हुए 1.5-2 घंटे तो ज़्यादा हो गए ना। आ जाओ, अपना सब कुछ हो गया, चल रहे। एक दोस्त को हमारे लेट हो रहा है, कह रहा घर में मार खा लूँगा, उस दोस्त को भी दिखा दो। हमारे दोस्त आ जाओ यार व्लॉग में, देख ले इसे बहुत ज़्यादा ही लेट हो रहा है। हम दोनों की देखती होते चल देना पड़ेगा, एडिट करने में तो लगे वक्त और लगता है, ऊपर से नेट फूटता है। चलो 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 चलो, अरे वो लड़का कहाँ गया पेन वाला, यार उसे चाउमीन खाने को दे देते। तो गाइस फाइनली ये ब्लॉग खत्म हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे ब्लॉग्स देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय, टाटा, अगला ब्लॉग मिलेंगे।